नमस्कार, आदमपुर की चौधर में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम माफी मांगना चाहेंगे कि कल किन्हीं कारणों से हम शाम का एपिसोड शूट नहीं कर पाए, लेकिन अब सुबह सुबह ताजा तरीन जानकारी के साथ आपके सामने पेश हैं। खासतौर पे हमारे साथ मौजूद रहते हैं खरी खरी न्यूज से कुलदीप शोरान जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। कल से और आज जेजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग हो रही है, आज भी मीटिंग हो रही है, और कोई बड़ा फैसला जेजेपी ले सकती है। क्या लगता है आपको, किस तरह का फैसला लिया जा सकता है? देखिए, उन्होंने आदमपुर के उपचुनाव को लेकर जेजेपी पूरी तरह से गंभीर नज़र आ रही है, क्योंकि जेजेपी के हाईकमान का ये मानना है कि अगर बीजेपी और कुलदीप बिश्नोई उनको आदमपुर उपचुनाव में पर्याप्त उनको जो है सम्मान नहीं देंगे, भागीदारी नहीं देंगे और अहमियत नहीं देंगे, तो मजबूरी में जननायक जनता पार्टी को बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। जिस तरह से कल कई घंटे तक जेजेपी की मीटिंग हुई और आज लगातार दूसरी बार मीटिंग बुलाई गई है और पार्लियामेंट्री बोर्ड के अलावा दूसरे नेताओं को भी बुलाया गया है, यानी चुनाव को लेकर जेजेपी पूरी तरह से एक्शन मोड में है। उनको साफ तौर पर लग रहा है कि या तो उन्हें बराबर की अहमियत दी जाए, अगर अहमियत नहीं दी जाती है तो चुनाव लड़ने के लिए जेजेपी तैयार रहे। एक बड़ी बात है, दो नाम निकल के सामने आ रहे हैं कहीं ना कहीं। एक डॉक्टर हैं संजय जौहर, जो बताए जाते हैं कि पूर्व मंत्री के द्योते हैं, वो चुनावी मैदान में भी जेजेपी उनका उतार सकती है, या फिर कांग्रेस से नाराज़ या कह सकते हैं कि टिकट ना मिली तो वो रामनिवास घोड़ेला को भी वो मैदान में उतार सकते हैं। देखिए अरुण, आदमपुर की सियासत के अंदर स्वर्गीय मुनिराम गोदारा बहुत बड़ी शख्सियत रहे हैं, सामाजिक तौर पर भी और सियासी तौर पर भी। बंसीलाल सरकार में वो गृहमंत्री रहे थे। आप ये मान सकते हैं कि चौधरी भजनलाल के बाद अगर आदमपुर के अंदर किसी का रसूख था तो मुनिराम गोदारा थे, और डॉक्टर संजय जौहर मुनिराम गोदारा के दोहते हैं। इस परिवार का पूरे इलाके में अच्छा रसूख है और निश्चित तौर पर जेजेपी ऐसे ही व्यक्ति को देखेगी जो सियासी बैकग्राउंड का हो, जिसका सामाजिक रसूख हो और जो अच्छे वोट ले सकता हो। तो मुनिराम गोदारा का जो परिवार है आदमपुर में एक बड़ी अहमियत रखता है, तो जेजेपी ऐसे ही तलाश में है कि जो उनको ऐसा अगर चुनाव लड़ना पड़े तो ऐसा चेहरा उनको मिले जो उनको रसूखदार वोट दिलवा सके। ऐसा तो नहीं सर, जैसे बड़ौदा का उपचुनाव हुआ था, लास्ट तक भी जो है वो जेजेपी नेताओं को आमंत्रित नहीं किया गया था। ये आवाज़ उठने लगी थी कि गठबंधन धर्म निभाया जा रहा है, नहीं निभाया जा रहा है, या फिर ये गठबंधन टूटने की कगार पे, बहुत सारी ऐसी बातें चली थी। आपको अभी क्या लगता है कि ये सिर्फ उसी तरह की लड़ाई है या इससे आगे भी कुछ बढ़ सकती है? देख रहा, आप बिल्कुल सही कहा। आदमपुर के साथ साथ हमने बड़ौदा भी कवर किया, हमने इलाहाबाद भी कवर किया, और बड़ौदा के अंदर यही कहानी थी। हमने देखा था कि चुनाव कार्यालय के बाहर न तो जेजेपी का नाम था, न जेजेपी नेताओं के फोटो थे, अकेला सिर्फ बीजेपी का शो लग रहा था। तो कहीं ना कहीं उसी चीज़ को आदमपुर में दोहराया जा रहा है, और आदमपुर में जिस तरह का माहौल है वो मुझे लगता है, जैसे कल सीएम साहब का बयान आया कि दोनों पार्टियां मिलकर लड़ेंगी, तो मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि एक दो दिन के अंदर जो दूरियाँ हैं वो दोबारा से मिट जाएं और वहाँ पर कुछ ना कुछ दोनों पार्टियों में अंडरस्टैंडिंग हो जाए और शायद गठबंधन का चुनाव लड़ ले। लेकिन जेजेपी इस मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रही है, और जेजेपी इसलिए उन्होंने पूरे दो दिन लगातार बैठक बुलाकर पार्लियामेंट्री बोर्ड की, वो सेकंड ऑप्शन पर भी काम कर रही है कि अगर बीजेपी और जो है कुलदीप बिश्नोई अगर उनका अहमियत नहीं देखते हैं तो सेकंड ऑप्शन के तौर पर जेजेपी चुनाव लड़ने की तैयारी में भी आ गई है। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि हर बार ये नहीं होता है कि आप हर बार सामने वाले को अपनी ताकत दिखाएं, एहसास कराएं, उसके बाद वो आपकी पूछ करे। ये तो गठबंधन का धर्म कहता है कि आपको शुरू से ही उन चीज़ों को साथ लेकर चलना चाहिए। अभी तक कुलदीप बिश्नोई जो है वो अजय चौटाला से नहीं मिले हैं या देवीलाल परिवार के किसी भी सदस्य से नहीं मिले हैं, जबकि सोनाली फोगाट जो है अब इस दुनिया में नहीं रही हैं, और जैसा कि उनकी बहन भी चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी थी, वहाँ उनके परिवार को जाके वो ज़रूर शांत करते हुए नजर आए हैं। देखिए सही है कि अगर आप गठबंधन धर्म की बात करेंगे तो प्रत्याशी के चयन से पहले ही बीजेपी और जेजेपी की जो है एक ज्वाइंट मीटिंग होनी चाहिए थी, और प्रत्याशी की घोषणा भी एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में होनी चाहिए थी। उसका एक अच्छा मैसेज आता है, जब आप मिलकर सरकार चला रहे हैं तो उन हालात में आपको मिलकर ही प्रत्याशी उतारना चाहिए था, और पहले दिन से लेकर दोनों पार्टियों के नेता एक मंच पर आने चाहिए थे। और कुलदीप बिश्नोई जब दूसरी जगह गए हैं तो उन्हें भी दुष्यंत चौटाला या अजय सिंह चौटाला से मिलना चाहिए था। उसे क्या होता कि दोनों परिवारों के बीच में, दोनों पार्टियों के बीच में और दोनों पूर्व प्रत्याशियों के बारे में
क्योंकि जो खिंचाव है ये 2014 के चुनाव का है, जब एक तरफ कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस की बीजेपी टिकट पर प्रत्याशी थे और दूसरी साइड में दुष्यंत चौटाला इनेलो के प्रत्याशी थे, तो उसमें जो तल्खियाँ बनी थी उन तल्खियों के कारण ही दोनों परिवारों में दूरियाँ बढ़ी थी। ये मौका था कि दोनों परिवार पास में आ सकते थे, एक अगर कुलदीप बिश्नोई वहाँ पर जाते तो अजय चौटाला को आशीर्वाद देना पड़ता, तो उन कंडीशन में भूपेश बिश्नोई के लिए चुनावी राह आसान भी बनती और चुनावी जो माहौल है वो भी उनके लिए बेहतर बनता। तो कहीं ना कहीं बीजेपी से और कुलदीप बिश्नोई से इस मामले में चूक हुई है और मैं मानता हूँ अभी भी कोई देर नहीं हुई है, अगर समझदारी दिखाते हुए कुलदीप बिश्नोई को अजय सिंह चौटाला से मिलना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी चाहती ना हो इनसे समझौता करना किसी बात का आदमपुर को लेकर? देखिए मुझे लगता है कि बीजेपी में मुझे लगता है कि कुछ दो धाराएं काम कर रही हैं। जो मुख्यमंत्री जी कल आपने और हमने उनका जो बयान देखा था उन्होंने साफ तौर पर उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी, पहले भी लड़ा है और इस बार भी लड़ेंगी और इसमें कोई गलत फहमी है तो उसको दूर किया जाएगा, यानी मुख्यमंत्री इस मामले पॉजिटिव हैं। लेकिन कहीं जो संगठन से जुड़े हुए जो नेता हैं कहीं ना कहीं वो इस मामले को कुछ बिगाड़ रहे हैं, दूरियां पैदा कर रहे हैं और इसी वजह से ये जो है खटास पैदा हो रहा है। मेरे को लगता है सर संगठन और कुलदीप बिश्नोई दोनों, कुलदीप बिश्नोई भी नहीं चाहते शायद कि मैं समझौता करूं देवलाल परिवार से। देखिए मैं मानता हूं कि कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में नए नए गए हैं और कहीं ना कहीं वो वही कर रहे हैं जो उन्हें कहा जा रहा है, उस कंडीशन में वो इसलिए शायद नहीं गए होंगे। लेकिन अगर आपका परिवार सियासी परिवार है, आपका बेटा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव लड़ रहा है, उन कंडीशन में कुलदीप बिश्नोई खुद भी अजय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला से मिलना चाहिए था। अगर जेजेपी इलेक्शन मोड में आती है, अपना प्रत्याशी उतारती है और पिछड़े वर्ग का प्रत्याशी उतारती है, ये नॉन जाट कह सकते हैं कि एक चेहरा मैदान में उतारती है, तो इसका नुकसान किसको होगा? देखिए अगर गैर जाट प्रत्याशी अगर जेजेपी उतारती है तो सीधे तौर पर उसका नुकसान जो है भूपेश बिश्नोई को होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है कि वहाँ के जो पॉलिटिक्स रही है उस पॉलिटिक्स के हिसाब से गैर जाट वोटरों का ज़्यादा जुड़ाव भजनलाल परिवार से रहा है। अगर जेजेपी किसी गैर जाट चेहरे को लेकर आती है तो उसका नुकसान सीधे तौर पर भूपेश बिश्नोई को होगा, क्योंकि आप देखिए कि जो आम आदमी पार्टी पॉलिटिक्स है वो गैर जाट की पॉलिटिक्स है जबकि उनका प्रत्याशी जाट है, तो वो दोनों मोर्चों पर साथ साथ चल रहे हैं। इसी तरह जेजेपी का कोर वोट बैंक जाट है, अगर वो प्रत्याशी नॉन जाट लेकर आते हैं तो भी उसको नुकसान है। तो सारी सारी जो कवायद है उस कवायद में अगर जेजेपी का नॉन जाट प्रत्याशी आता है तो सीधा इफेक्ट बीजेपी प्रत्याशी भूपेश बिश्नोई पे पड़ेगा। मतलब जितना आसान ये चुनाव दिख रहा था उतना आसान हुआ नहीं है, ये तो वो काम हो गया लास्ट बॉल पे आपको 6 रन चाहिए और एक छक्का मारने की जरूरत है, इस तरह का माहौल जो बन गया और पूरी गर्माहट एक हॉट सीट जो है वो आदमपुर आज बन गया। इसमें कोई सच की बात नहीं कि आदमपुर हॉट सीट है, लेकिन मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि भी जो है समीकरण बदल गए हो, माहौल बदल गया हो, आज की तारीख में भी जो है भूपेश बिश्नोई का पलड़ा भारी है। लेकिन अगर जेजेपी उसके साथ में खड़ी होती है तो वजन बढ़ता है, वजन बढ़ता है तो मार्जिन बढ़ता है, मार्जिन बढ़ता है भजनलाल परिवार का रसूख बढ़ता है, सरकार का रसूख बढ़ता है, गठबंधन का रसूख बढ़ता है, दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल खट्टर का रसूख बढ़ता है। तो वो काम करने के बजाय आप गठबंधन के सहयोगी को आप नाराज कर रहे हो, उनको आप अनदेखा कर रहे हो, उनको अहमियत नहीं दे रहे हो, उनको जो है आप पार्टिसिपेशन नहीं दे रहे हो। तो ये जो गलतियां हैं ये गलतियां गठबंधन में नहीं होती, आपको ये बता दूं उन्होंने लगभग जो है पिछले 20-22 साल से पूरा पॉलिटिकल मैंने कवरेज की है तो हरियाणा की सियासत में जो मैंने पढ़ा है 1967 से लेकर और जो है 2019 क्या 22 आ गया है, अब तक ऐसी कोई भी सरकार नहीं हुई जिसमें गठबंधन में झगड़े ना हुए हों। कई सरकारें टूटी हैं, गठबंधन बीच में टूटे हैं, पहली बार ऐसा है कि 3 साल के अंदर किसी गठबंधन के अंदर चू भी नहीं हुई है, ना तो मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर का कभी अनबन दुष्यंत चौटाला से हुई और न ही दुष्यंत चौटाला ने कभी सीमिया या भाजपा को लेकर कोई नेगेटिव बात कही, यानी कि ये गठबंधन की सरकार चकाचक चल रही है। लेकिन भाजपा के कुछ ऐसे नेता हैं जो बीच बीच में प्रयास करते हैं कि गठबंधन में दरार पड़े, सरकार में से जेजेपी को अलग किया जाए ताकि उन नेताओं की राजनीतिक रोटियां सेकी जा सकें। लेकिन अब ये चुनाव का मोड है और आज जो है वो जेजेपी बड़ा फैसला भी ले सकती है, अगर बीजेपी समय रहते उनको मना लेती है तो फिर ये वही बात हो जाएगी सर, कुछ लोग कह रहे थे कि ये पोस्टर में फ़ोटो लगवाने तक की लड़ाई है। नहीं देखिए ये पोस्टर में फ़ोटो लगाने की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई आपके जो है सम्मान की लड़ाई है। देखिए अगर पोस्टर में अगर फ़ोटो नहीं आता है देवीलाल जी का, दुष्यंत चौटाला का, अजय चौटाला का, तो वो एक नेगेटिव मैसेज जाता है कि बीजेपी और कुलदीप बिश्नोई जेजेपी को कुछ नहीं समझ रहे हैं और पॉलिटिकली नेगेटिव मैसेज कोई भी पसंद नहीं करता,
तो ये सिर्फ पोस्टर की बात नहीं है, ये गठबंधन के सहयोगी के हक की बात है, ये गठबंधन की नैतिकता की बात है और ये सांझी लड़ाई की बात है। अगर गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर भव्य विष्णु चुनाव लड़ते हैं तो उसका मैसेज अलग जाता है, उसका सरकार के लिए मैसेज अलग जाता है। तो मैं मानता हूँ कि नहीं कि बीजेपी इस मामले में देरी कर रही है, जब दो दिन से नाराजगी सामने आ चुकी है तो अब तक कुलदीप बिश्नोई को अजय सिंह चौटाला से मिलने चले जाना चाहिए था। जितनी देरी हो रही है उससे क्या कि नेगेटिविटी फैल रही है, तो नेगेटिविटी नहीं फैलनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिविटी फैलने के कारण ही जेजेपी ने कल मीटिंग की और आज फिर मीटिंग कर रही है। तो जेजेपी को शायद लग रहा है कि भाई हमने इशारा कर दिया, उसके बावजूद भी अगर बीजेपी या कुलदीप बिश्नोई उनको अहमियत नहीं दे रहे हैं तो उसका मतलब है कि उनको चुनाव के लिए तैयार हो जाना चाहिए, और गठबंधन के दो सहयोगी लड़ते हैं तो उसमें नुकसान जो है भव्य बिश्नोई को ही होगा। बिल्कुल, आदमपुर की चौधर में हम आज जिक्र कर रहे थे जेजेपी कहाँ खड़ी है, जेजेपी की हालात क्या है और किस तरह से चुनाव में वो कोई भी फैसला लेने के लिए मजबूर हो रही है या फिर फैसला लेगी कुछ ऐसा बड़ा आज कोई फैसला ले सकती है। लेकिन दो छोटी सी चीज़ें और हैं, वो भी हम आपको बता दें कि आज आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र सिंह जो हैं वो नामांकन भर रहे हैं। और एक चीज़ पर और मैं डिस्कस करना चाहूँगा सर, कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, जयप्रकाश जेपी को जो वो फाइनल बार बार फाइनल कर करके औपचारिक घोषणा में क्यों देरी हो रही है? मुझे लगता है कि उनके आज शाम तक कांग्रेस और इनेलो दोनों के प्रत्याशियों का शायद नाम साफ हो जाए। कांग्रेस की तरफ से जेपी का नाम लगभग फाइनल है, आज शाम को चिट्ठी शायद निकल जाए। कांग्रेस में एक दिक्कत और भी है, कांग्रेस में सूचियां हमेशा देरी से आती हैं। ये भी हो सकता है कि जेपी का 14 तारीख का नॉमिनेशन का अंतिम दिन है, ये भी हो सकता है जयप्रकाश का 13 तारीख को लिस्ट जारी करें। इनेलो के जो पैनल ने अपनी जो सूची जो है चौटाला साहब को सौंप दिए, शायद इनेलो आज शाम तक डिक्लेयर प्रत्याशी कर दे जो है। बिल्कुल, इनेलो जो है वो इंतजार नहीं करेगी, इनेलो समय रहते अपने प्रत्याशी घोषणा कर देगी। लेकिन कांग्रेस में अभी जो है वो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, हालांकि लगभग जो है वो 100% जो हमारे सूत्रों के हिसाब से जानकारी है वो जयप्रकाश जेपी का नाम लगभग फाइनल हो चुका है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब जेजेपी के लिए क्या रास्ता है, क्या जेजेपी आज एक्शन मोड में आ जाएगी, क्या जेजेपी चुनाव लड़ेगी, क्या जेजेपी अपना प्रत्याशी मैदान में उतारेगी, या फिर कहीं ना कहीं बीजेपी जेजेपी को मैनेज करने में कामयाब हो जाएगी। बड़ौदा में भी ऐसा ही हुआ था, लास्ट टाइम पे भूपेंद्र सिंह मलिक को मैनेज किया गया था और उसके बाद 5-6 चेयरमैनों के नाम जो है वो सामने आए थे। तो ये सब सत्ता है, सत्ता का हिस्सा है, ये चीज़ें चलती रहेंगी। अब वो क्या चीज़ें होने वाली हैं ये देखने वाली बड़ी बात होगी। लगातार अपडेट्स के लिए आप देखते रहे आदमपुर की चौधरी।